आज वह बात को बीजेपी ने साबित कर दिया कि वास्तव में हम जानबूझकर लालू यादव को परेशान किए हैं और जानबूझकर जेल भेजे हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश के गरीबों के आवाज़ हैं और समाजवादी छोड़ने वाला नहीं है। इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी मुफ्त भारत होगा और इस देश पर समाजवाद का झंडा फहरेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि विपक्षी दलों की जो बैठक होने वाली थी अब वो बैठक समाप्त हो चुकी है और ऐसे में उस बैठक को लेकर जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज है। और ऐसे में कल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि लालू यादव को पिंजड़े में बंद बीजेपी ने ही करवाया था। मेरे साथ बात करने के लिए राजद विधायक राम ब्रिज सदा जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने जो बोला बाबू लालू प्रसाद यादव जी के संबंध में जो बीजेपी ने बोला वह सरासरी गलत बोला। बाबू लालू प्रसाद यादव जी जिस समय 90 के दौर था उस समय भी शेर थे और आज की तारीख में भी शेर हैं। गरीबों के दिल पर राज करते हैं, गरीबों की मान और सम्मान की बात करते हैं। बोल रहे हैं कि लालू जी शेर हैं, बीजेपी कह रहा है कि पिंजरे में बंद बीजेपी ने करवाया था, उपेन बोल रहे हैं। बीजेपी तो उसका वही कौमे है, दूसरा कोई काम है? उनका काम है दंगा फसाद करवाना, उनका काम है आप सही काम कर रहे हैं तो आपके पीछा सीबीआई ईडी भेज कर रेड करवा के आपको जेल भेजवाना, उनका काम है अमन चैन ख़त्म करना, उनका काम है यहाँ जो है से भाईचारा ख़त्म करना, और दंगा फसाद के बाद उनके पास क्या काम है? आज वह बात जो बात लोग बोल रहा था, जो बात यह देश के लोग बोल रहा था, जो बात बिहार के लोग बोल रहे थे, आज वह बात को बीजेपी ने साबित कर दिया कि वास्तव में हम जानबूझकर लालू यादव को परेशान किए हैं और जानबूझकर जेल भेजे हैं। यह बात को बीजेपी ने आज बता दिया और इस बात को उन्होंने सबूत दे दिया कि हम ही लालू जी को जेल भेजवाए। क्या लगता है बीजेपी डरा रही है लालू यादव को? लालू यादव डरने वाला है? आज तक लालू यादव जी डरे हैं? नो कभी डरे हैं और नो कभी झुके हैं, और नो कभी डरेंगे और नो कभी झुकेंगे। जो गरीबों के नेता होते हैं उनके ऊपर 100 आफत आता है। बाबू लालू प्रसाद यादव जी पूरे देश के गरीबों के आवाज़ हैं। आज उसके सामने उदाहरण के तौर पर रामवृक्ष सदा एक मजदूरी करने वाला मुसहर का बेटा आज विधायक है लालू यादव और तेजस्वी यादव के कृपा से, और आज एक मुसहर का बेटा भी दम रखता है आपके चैनल के सामने अपनी बातों को रखने के लिए। चलिए, बीजेपी के लोग का ये भी कहना है कि जो जिन लोगों ने आपातकाल देश में लगाया था उन्हीं लोगों के साथ जाकर आज लालू यादव नीतीश कुमार बैठे हुए, इसको कैसे देखते हैं? देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता है। जब इस देश में आपातकाल लगा था तो आपातकाल अगर कांग्रेस के सरकार में जबरदस्ती लगाया गया था, जबरदस्ती समाजवादियों को तंग कर रहा था, तो कांग्रेस के भी टक्कर समाजवादियों ने दिया और कांग्रेस को धूल चटाने का काम किया और समाजवाद का झंडा बुलंद करने का काम किया। वही हाल इस बार होने के लिए जा रहा है। इस बार फिर बीजेपी के लोग समाजवादियों को ललकारा है और इस बार समाजवादी छोड़ने वाला नहीं है। इस बार 24 के चुनाव में बीजेपी मुफ्त भारत होगा और इस देश पर समाजवाद का झंडा फहरेगा। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ राजद विधायक राम ब्रिज सदा थे। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से विजय सिन्हा ने बयान दिया था उसके बयानों को लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी का यही काम है कि जो लोग अच्छा करते हैं उसको जानबूझकर ये लोग ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके परेशान करते हैं। और वही नहीं, राम ब्रिज सदा ने यह भी कह दिया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का ही देन है कि आज एक मुसहर का बेटा विधायक बना है और एक मुसहर का बेटा सबके सामने कड़े आवाज़ में बात करता है। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा, बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक धन्यवाद।